हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं समझता हूँ आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। अभी हम रिवाइज करने वाले हैं बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है ड्यू डिलीजेंस। तो सबसे पहले हमने देखा था कि ड्यू डिलीजेंस कहता क्या है। भाई ड्यू डिलीजेंस सिंपल सी बात है, एक बंदा है वो इन्वेस्ट करना चाहता है दूसरी कंपनी में या किसी भी एंटिटी में। अब जब वो दूसरी एंटिटी में इन्वेस्ट करने जाएगा तो वो क्या कराएगा, ड्यू डिलीजेंस करवाएगा, एक फर्म को अपॉइंट करेगा और बोलेगा ए फर्म मुझे बताओ कि क्या जहां मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं ये एकदम सही इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। तो इसी प्रोसेस को ड्यू डिलीजेंस कहते हैं। तो ड्यू डिलीजेंस इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो परफॉर्म करता है इन्वेस्टर किस चीज के अंदर, इन टू द डिटेल्स ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट। पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स के अंदर ये प्रोसेस करता है ताकि ये एग्जामिन कर सके उसके ऑपरेशंस और उसके मैनेजमेंट और जो भी मटेरियल फैक्ट्स है उनको वेरीफाई कर सके। तो एज एन ऑडिटर हमें ऐसे ऐसे फैक्ट से कोई मतलब ही नहीं, हमें मतलब है मटेरियल फैक्ट से। अब आती है बात इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यू डिलीजेंस। तो हमने कहा था इंपॉर्टेंस क्या होती है। भाई इंपॉर्टेंस यही होती है कि सबसे पहले तो ये हेल्प करता है कंफर्म करने में क्या बिजनेस वही है जो उसको लग रहा है। दूसरा ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, आइडेंटिफाई किसको, डील किलर। डील किलर यानी वो डील किलर डिफेक्ट जो टारगेट कंपनी में है जो हमारी हेल्प कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के बाद अवॉइड करने में एक बैड बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हेल्प किया कंफर्म करने में कि बिजनेस वही है जो हमें लग रहा है, फिर साथ साथ हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प किया कि क्या हमें वो डील किलर डिफेक्ट मिल गए हैं जिस वजह से हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर ये हेल्प करता है गेन करने में, गेन क्या चीज, गेन इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए यूजफुल होगी इन वैल्यूइंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी, इन डिफाइनिंग रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटीज एंड नेगोशिएटिंग प्राइस कंसेशन। तो हमने एग्जांपल लिया था फ्यूचर रिटेल और रिलायंस का कि रिलायंस फ्यूचर रिटेल में इन्वेस्ट करने जाता है तो उसको इन्फॉर्मेशन पूरी चाहिए ताकि वो फ्यूचर रिटेल के जो एसेट्स हैं उनको सही वैल्यू करे, अपनी रिप्रेजेंटेशन सही बनाए। रिप्रेजेंटेशन यानी न्योता हमने डिस्कस किया था, वारंटीज और प्राइस नेगोशिएशन, साथ साथ वो वेरीफाई कर सके कि क्या जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लाई करती है इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन क्राइटेरिया। तो हमने ये चीज अच्छे से पढ़ी थी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट होगी, एक्विजिशन होगी, वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से होगी ताकि वो एकदम ठीक हो। फिर हम आते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। सर क्लासिफिकेशन मतलब ड्यू डिलीजेंस हो सकता है कई कई प्रकार का, वो हमने एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला होता है कमर्शियल और ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस। कमर्शियल ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस सिंपल सी बात एक बात करता है कि जब दो एंटिटीज मिलती है तो उनके बीच में सिनर्जीज पैदा होती है। तो अगर दो एंटिटीज के मिलने से सिनर्जीज पैदा हो रही है यानी स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल परस्पेक्टिव से आप उसको कर रहे हैं तो आप इसको कमर्शियल ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस कह सकते हो। अब आती है बात फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस की। फाइनेंशियल यानी कुछ फायदा होगा, कुछ ऐसा फाइनेंशियल फायदा होने वाला है जिस वजह से हम उसको ड्यू डिलीजेंस को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल मैटर्स का ड्यू डिलीजेंस करना है यानी जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन पे हम ध्यान देंगे। अब आती है टैक्स ड्यू डिलीजेंस। आपको पता होगा जब दो एंटिटीज का मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, तो उसके टैक्स इंप्लीकेशंस भी होते हैं। तो टैक्स ड्यू डिलीजेंस में अकाउंटेंट लुक करता है टू द टैक्स इफेक्ट ऑफ मर्जर और एक्विजिशन। फिर आते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलीजेंस। इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलीजेंस ये कहता है कि जब हम दूसरी एंटिटी को एक्वायर करेंगे तो उसके कंप्यूटर सिस्टम और बाकी रिलेटेड चीजें भी हमारे पास आएंगी तो वो कैसे हमारे साथ मिलकर काम कर पाएंगी, ये चीज हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलीजेंस बता के चलता है। फिर आती है लीगल ड्यू डिलीजेंस की बात। लीगल ड्यू डिलीजेंस नाम से पता चलता है कि भाई लीगल मैटर्स की बात होती होगी। फिर आते हैं एनवायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस। एनवायरमेंटल यानी इन्वायरमेंटल मैटर्स की बात करता है, जो एंटिटी के इन्वायरमेंटल मैटर्स है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिवनेस टू द एक्वायरर एंटिटी। फिर आती है बात पर्सनल ड्यू डिलीजेंस। पर्सनल ड्यू डिलीजेंस यानी उनके लोग अब हमारे लोग हो जाएंगे तो क्या वो हमारे साथ आगे भी कंटिन्यू करेंगे कि नहीं। फिर आती है बात स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस क्या है, बेसिकली अब मैं ड्यू डिलीजेंस करने जा रहा हूँ, आज मैंने अपने किसी दोस्त को ड्यू डिलीजेंस करने भेजा तो वो क्या क्या देखेगा फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस करते वक्त, तो हमने उसकी बात की थी। तो हमने कहा था भाई सबसे पहले वो देखेगा कंपनी की हिस्ट्री क्या है और प्रमोटर्स का बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले उसने देखा कंपनी की हिस्ट्री क्या है, फिर उसने देखा प्रमोटर्स का बैकग्राउंड क्या है। फिर हमने कहा कि जो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने जा रहे हो उसका ये देख लेना कि अकाउंटिंग पॉलिसीज ठीक लगाई थी बनाने में, ऐसा तो नहीं था कंपनी ने रिसेंटली अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बढ़िया बढ़िया बनाने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी झटपट चेंज कर दी। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज को देखना कि वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है कि नहीं एंड क्या वो रीजनेबल है कि नहीं। फिर इन्होंने देखा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज भी ठीक है, भी आपकी बैकग्राउंड भी सही है, आपकी हिस्ट्री भी सही है। फिर इन्होंने देखा जो चीज़ ये देखने गए थे यानी फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो देखने ही पड़ेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख ही रहे थे, इन्होंने कहा हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देख लिया, पीएनएल भी देख लिया, बैलेंस शीट भी देख लिया। तो पीएनएल के आखिरी में आता है टैक्सेशन, तो इन्होंने कहा टैक्सेशन भी देख ही लेते कि भाई टैक्सेशन इफेक्ट्स क्या क्या होंगे ड्यू डिलीजेंस के, तो इन्होंने वो भी देख लिया। फिर हमने इनसे पूछा पूरा फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस हो गया, टैक्सेशन हो गया, सब हो गया, इन्होंने कहा हो गया। हमने कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा, तो इन्होंने कहा नहीं 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 कैश, हमने कहा कैश फ्लो भी देख लेना। तो यहां तक इन्होंने क्या क्या देखा, हमने देखा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टारगेट कंपनी देखी,
बैकग्राउंड ऑफ प्रमोटर देखा, उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज देखी जिनको यूज करके हमने क्या बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देख लिया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस के आखिरी में जो टैक्स आता है वो भी देख लिया, साथ साथ हमने कैश फ्लो भी देख लिया। हमने कहा अभी तो फाइनेंशियल पोजिशन ऐसी है, आगे जाके क्या होगी, यानी तो हमें फाइनेंशियल प्रोजेक्शन भी देखनी है, तो हम फाइनेंशियल प्रोजेक्शन भी देख के आएंगे और साथ साथ ये भी देख के आएंगे जिन लोगों ने सारा मेहनत की है वो कौन है, यानी कंपनी के मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, और लास्ट में आ जाती है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। ये जो चीजें सारी हैं इन पे एक ही चीज लगती है, वो है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, तो वो हमें यहाँ पे देख के चलनी है। अब आती है बात हिडन लायबिलिटीज और ओवरवैल्यूड एसेट्स, आईसीए का फेवरेट टॉपिक। हिडन लायबिलिटीज का क्या मतलब है, क्या कोई ऐसी लायबिलिटीज है जो कंपनी ने नहीं दिखाई है जिस वजह से हमारी जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो बिगड़ सकती है। हमने कहा था कंपनी की वैल्यूएशन कैसे होती है, मैंने कहा बहुत ही देसी तरीका, एसेट माइनस लायबिलिटी करो, आपको कंपनी की नेटवर्थ पता चल जाएगी, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, पर शेयर की वैल्यू पता चल जाएगी। हमने ये भी डिस्कस किया था कंपनी चाहेगी अपने एसेट्स को ओवरवैल्यू करे, लायबिलिटीज को अंडरवैल्यू करे, तो भाई सिंपल सी बात है, जो लायबिलिटीज है उनको वो कम से कम दिखाना चाहेगी, चाहेगी कि लायबिलिटीज जहां है वहीं रहे, छुपी रहे लायबिलिटीज। तो हमने कहा भाई कुछ ऐसी लायबिलिटीज हैं जो छुपी हो सकती है, बट आपने वो चीज पकड़नी है। तो सबसे पहले आप गए कंपनी में, कंपनी को आपने ड्रॉर खोला ही था, ड्रॉर में आपको मिल गया ऐसा नोटिस जिसको हम प्यार से बोलते हैं शो कॉज नोटिस। ये शो कॉज नोटिस हो सकता है कि अभी मेच्योर ना हुआ हो डिमांड में, बट ये हमारे लिए मटेरियल और इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले आपको मिला शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस जैसे ही आपने देखा साइड में पड़ा था लेटर, यानी लेटर ऑफ कंफर्ट जो आपने बैंक को दिया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ये भी आपने उठा लिया। तो शो कॉज नोटिस हो गया, लेटर ऑफ कंफर्ट हो गया, बाकी चीजें सारी टैक्स वाली आ जाएंगी, यानी टैक्स लायबिलिटीज अंडर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों आपने उठा ली। साथ साथ आपने देख लिए लॉन्ग पेंडिंग सेल्स टैक्स असेसमेंट, यानी इनडायरेक्ट टैक्स की लाइबिलिटीज, लॉन्ग पेंडिंग सेल्स टैक्स असेसमेंट। उसके साथ आपने देख लिया कस्टम ड्यूटी की पेंडिंग फाइनल असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। फिर उसके बाद जब आपने ये टैक्स वाली तीन चीजें देखी थी, फिर आपको पता चला कंपनी ने एक बायबैक भी निकाल रखा है। तो जो कंपनी ने बायबैक निकाल रखा है, एग्रीमेंट टू बायबैक शेयर एट स्टेटेड प्राइस, वो भी आपकी एक लायबिलिटी हो जाती है। तो याद रखें एग्रीमेंट टू बायबैक शेयर एट स्टेटेड प्राइस भी लायबिलिटी है। एंड लास्ट की दो लायबिलिटीज हैं एलएल, यानी लीज लायबिलिटी और लेबर लिटिगेशन। तो लीज लायबिलिटीज की फ्यूचर लीज लायबिलिटीज एंड अनरिजॉल्व लेबर लिटिगेशंस भी आपने ध्यान में रख के चलनी है। फिर हमने बात करी थी ओवरवैल्यूड एसेट्स की। ओवरवैल्यू एसेट्स में हमने कहा भाई करंट एसेट से स्टार्ट करते हैं। सो करंट एसेट में हमारे दिमाग में सबसे पहले आया ट्रेड रिसीवेबल, ऐसे ट्रेड रिसीवेबल जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुए, ना कलेक्ट हो पाएंगे, यानी अनकलेक्टेड अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स। तो जो भी अनकलेक्टेड अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स थे उनको हमने यहाँ पे सबसे पहले ओवरवैल्यूड एसेट्स में डाल दिया था। फिर हमने कहा इन्वेंट्री कैसी है, बेकार इन्वेंट्री है, ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री है, बिल्कुल मूव नहीं करती, पड़ी रहती है एक जगह, तो ऐसी ऑब्सोल्यूट स्लो मूविंग इन्वेंट्री की भी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसको हमने एनआरवी के अबव वैल्यू कर रखा है। तो याद रहे ऐसी इन्वेंट्री जिसकी कोई वैल्यू नहीं, आपने उसको एनआरवी से भी ऊपर वैल्यू कर रखा है, तो कहीं ना कहीं आपकी इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड ही है। तो ऑब्सोल्यूट स्लो नॉन मूविंग इन्वेंट्री भी एक एग्जांपल हो जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है ट्रेड रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, अब एक बात बताओ आपकी मशीनरी कैसी है। तो हमने कहा मशीनरी भी एकदम खराब है, पड़ी हुई है, अंडर यूज्ड है, एकदम ऑब्सोल्यूट मशीनरी है। तो हमने कहा भाई ठीक है अंडर यूज्ड ऑब्सोल्यूट जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। हमने कहा इंटेंजिबल कैसे, इंटेंजिबल भी बेकार है, इंटेंजिबल की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हमने करी इन सब की बात। फिर हमने बात करी इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट्स ऐसी जिनको हम कैरी कर रहे हैं कॉस्ट पे, जबकि उनकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो कम, बहुत ज़्यादा कम है। और ये ऐसी इन्वेस्टमेंट्स क्यों है, क्योंकि इनके अंदर है वेरी लो रेट ऑफ रिटर्न, इनके अंदर है वेरी लो रेट ऑफ इनकम, वेरी लो रेट ऑफ रिटर्न। फिर आती है बात लिटिगेटेड एसेट्स ऑफ प्रॉपर्टी, जिन पे मुकदमा चल रहा है कि ये एसेट हमारे हैं या किसी और के, तो वो ऐसे लिटिगेटेड एसेट्स ऑफ प्रॉपर्टी को भी हम ओवरवैल्यूड एसेट्स मानते हैं। एंड आखिरी में हमने देखा अकाउंटेंट ने एक प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर, एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एसेट दिखा रखा था, उसको अकाउंटिंग ही नहीं आती। हमने कहा ऐसा अकाउंटेंट किसी काम का नहीं है। तो इनफ्रक्चुअस प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपका ओवरवैल्यूड एसेट में आ जाता है। सर क्या क्या पॉइंट थे ओवरवैल्यूड एसेट के, एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट था आपका रिसीवेबल्स का अनकलेक्टेड अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स। दूसरा आपका इन्वेंट्री का पॉइंट, इन्वेंट्री कैसी थी, ऑब्सोलीट थी, स्लो मूविंग नॉन मूविंग बकवास इन्वेंट्री। फिर उसके बाद हमने बात करी मशीनरी की, मशीनरी ऐसी जो यूज ही नहीं होती, पड़ी रहती है एक जगह, ऑब्सोलीट नॉन अंडर यूज मशीनरी, एकदम खराब मशीनरी पड़ी है। फिर उसके बाद आपने देखा इंटेंजिबल कैसे, हमने कहा इंटेंजिबल जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, एकदम बेकार इंटेंजिबल है। फिर उसके बाद हमने इंटेंजिबल के बाद किसकी बात करी, मशीनरी की हो गई, ट्रेड रिसीवेबल्स की हो गई, इन्वेंट्री की बात हो गई, इंटेंजिबल की बात हो गई। फिर हम आते हैं इन्वेस्टमेंट्स पे। इन्वेस्टमेंट्स दो तरह की, एक तो जिनको हम कॉस्ट पे वैल्यू करके चल रहे हैं जबकि उनकी रियलाइजेबल वैल्यू बहुत कम है। क्यों है, क्योंकि उनका वेरी लो रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है। तो दो पॉइंट तो ऐसे ही हो गए हमारे। एंड लास्ट में हम आए थे, लास्ट में हम आए इनफ्रक्चुअस प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और लिटिगेटेड एसेट्स एंड प्रॉपर्टी के पास। अब हमने कहा वर्क अप्रोच टू ड्यू डिलीजेंस, ड्यू डिलीजेंस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। हमने कहा चार स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपने रिव्यू करना है और रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए हैं टारगेट कंपनी के, आपने उन पर रिव्यू करना है, आपने उनके ऊपर रिपोर्ट करना है, आपने करना है
असेस, आपने बिजनेस को असेस करना है, जिसके लिए आप कंपनी में विजिट भी कर सकते हो। तो आप कंपनी में विजिट कर सकते हो, आप रिव्यू कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ। जो इन्वेस्टी है उसके साथ आप बैठ जाओ, इन्वेस्टी के साथ बैठो और डिफाइन करो क्या क्या की एरियाज हैं। तो जो इन्वेस्टर है, सॉरी जो इन्वेस्टर है उसके साथ आप बैठो, एक्विजिशनिंग कंपनी के साथ, और डिफाइन करो क्या क्या की एरियाज हैं। एंड लास्ट में अपना ऑफर बता दो, कितना ऑफर आप सामने वाली कंपनी को देने वाले हो जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हो। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आपने ड्यू डिलीजेंस करना कैसे है? सिंपल सी बात है, स्टार्ट विद एन ओपन माइंड। आपने खुले दिमाग के साथ स्टार्ट करना और आइडेंटिफाई करने क्या क्या ट्रबल स्पॉट्स हैं। जो जो ट्रबल स्पॉट मिलता है वहां पे उससे आप एक्सप्लेनेशन ले लो। सो स्टार्ट विद एन ओपन माइंड, आइडेंटिफाई द ट्रबल स्पॉट्स एंड आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन देयर एंड देन। एंड क्या करना है, आपने खुद सारा काम नहीं करना, आपने बेस्ट टीम लेके आनी है। आपको बेस्ट टीम मिलेगी तो कहीं ना कहीं आप हेल्प पा पाओगे इन एरियाज जहां पे आपको 360 डिग्री व्यू मिल जाए कंपनी का। तो स्टार्ट विद एन ओपन माइंड, गेट बेस्ट टीम ऑफ पीपल, गेट हेल्प इन ऑल एरियाज दैट इज एबल टू गेट 360 डिग्री व्यू ऑफ कंपनी। अब आपके पास तो आपकी टीम आ गई है, अब आप जाओगे किसके पास? आपने जानी करनी है बातें, आपने बातें करनी है कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स और एम्प्लॉयज के साथ, क्योंकि वो ग्रेट रिसोर्सेज हैं। एंड आपने लेनी है एक रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच। जब आपने एक रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच ले ली, तब आपने देनी है एक रिपोर्ट जिसमें आप कंप्लायंस और सब्सटेंटिव रिस्क की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा हम ओपन माइंड के साथ जाएंगे, खुले दिमाग के साथ जाएंगे, जो भी ट्रबल स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। फिर हमने कहा दूसरा पॉइंट, सिंपल सी बात है, हम एक बेस्ट टीम ऑफ पीपल लेके आएंगे, हम ड्यू डिलीजेंस एक्सपर्ट्स लेके आएंगे, हमें हेल्प मिलेगी हर एरिया में ताकि हमें 360 डिग्री व्यू मिल पाए कंपनी का। हमें 360 डिग्री व्यू लेना है, यानी हमें हर बंदे से जाके क्या करनी है, बातें यानी हमें कस्टमर से बात करनी है, हमें सप्लायर से बात करनी है, उनके एम्प्लॉय से बात करनी है, हमें सबसे बातें करनी है। जब हम सबसे बातें करेंगे तब हम एक रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच लेंगे। फिर लास्ट में हम जो अपनी रिपोर्ट देंगे वो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव होगी, जहां पे हम अपनी कंप्लायंस और सब्सटेंटिव रिस्क को मेंशन करके चलेंगे। लास्ट आ जाता है पॉइंट हमारा, कंटेंट्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट। एक ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट के क्या क्या कंटेंट होते हैं, मैंने कहा सबसे पहले आप कोई भी रिपोर्ट दोगे उसमें आप दोगे समरी, इस रिपोर्ट में क्या क्या है, तो उसको हम प्यार से एग्जीक्यूटिव समरी बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी के बाद आपने ये बताना है कि आपने एक इंट्रोडक्शन देना है कि मैं हूं ड्यू डिलीजेंस करने वाला, यह है ड्यू डिलीजेंस करवाने वाली पार्टी, एंड इस कंपनी का हमने ड्यू डिलीजेंस किया है। फिर आप जिस कंपनी की बात कर रहे हो आप उसका एक बैकग्राउंड दोगे, आप बैकग्राउंड के साथ साथ उस कंपनी की हिस्ट्री बताओगे, आप ऑब्जेक्टिव बताओगे आपने ड्यू डिलीजेंस क्यों किया, साथ साथ आप दोगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन, यानी क्यों ये ड्यू डिलीजेंस कराया जा रहा है, साथ साथ आपने क्या क्या आपने ड्यू डिलीजेंस में कवर किया वो आपके स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन में आ जाएगा। फिर आप लाइबिलिटीज, एसेट्स और नेटवर्थ की बात करोगे, असेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, असेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड असेसमेंट ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ को अगर हम प्यार से बोले तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज ही होता है। तो ये सारी चार पांच चीजों के आपने कंटेंट्स डालने अपने ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट में। दोस्तों यहाँ ड्यू डिलीजेंस का हमारा रिविजन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम करेंगे रिविजन इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन एक और मजेदार टॉपिक, उसका रिवीजन करेंगे एंड फिर उसके बाद हम फॉरेंसिक ऑडिट का रिवीजन करेंगे। मैं कहूँ बहुत ही मजा आने वाला है, और आप जल्दी सीए बनने वाले हो तो भाई मिठाई विठाई का ऑर्डर कर दो। ऑल द बेस्ट।